गाइज वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर हम देखेंगे इसके टाइप्स, जो कि डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल, नल, अल्टरनेटिव और भी टाइप्स। और पूरे टाइप्स को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है तो आप किसी भी टाइप्स को MCQs में ईजिली पिक कर सकते हैं, वहाँ पर आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहला सवाल है कि हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, हाइपोथेसिस का प्लूरल फॉर्म है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस है कुछ नहीं, बेसिकली एक प्रेडिक्शन है कि आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो, अनुमान लगाते हो कि किसी भी वेरिएबल्स के बीच में, किसी भी चर के बीच में कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ज़रूर है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो हाइपोथेसिस आपकी एक परिकल्पना है, आप एक इमेजिनेशन करते हो, एक एडुकेटेड गेस करते हो, जो कि लॉजिकल होना चाहिए, कि आप किसी लॉजिक के आधार पर ऐसा कह पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हो कि जहाँ पर सन रे ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो वेजिटेशन है, जो वनस्पतियाँ हैं, वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो ये आपने एक ऑब्जर्व करा, तो आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं सूरज की गर्मी और इस जो ग्रोथ है वेजिटेशन का, इन दोनों में एक रिलेशन है। तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ये कितना वैलिड है, कितना सही है, इसके बारे में पता नहीं, ये बस और बस एक प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है, और इसकी वैलिडिटी अननोन है। अननोन इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने इसको साइंटिफिकली, इस पर रिसर्च नहीं किया है कि क्या जो मैंने परिकल्पना की है, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है दो वेरिएबल्स के बीच में, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हाइपोथेसिस जो है वो बहुत ही सिंपल, क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। कभी भी आप इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट करोगे। तो हाइपोथेसिस के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले कि हाइपोथेसिस का बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके बनाने से कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपके रिसर्च स्टडी पर क्लैरिटी, फोकस और स्पेसिफिसिटी लाती है, कि एक्चुअल में आप किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो ना, उसको पूरा फोकस बना देता है कि आप इसी पे कर रहे हो, इससे आप कहीं भटकोगे नहीं इधर उधर। यह आपके सैम्पल डिज़ाइन को भी बनाने में मदद करता है, क्योंकि जब आपने एक चीज़ को लिख लिया है कहीं पे, आपने एक हाइपोथेसिस बना रखी है, तो आप उसके आधार पर अपने सैम्पल डिज़ाइन तैयार करते हो कि किस सैम्पलिंग टेक्निक का आप इस्तेमाल करने जा रहे हो। इससे एक चीज़ और होता है कि आपकी स्टडी जो है बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाती है, आप इसमें बायसनेस से दूर रहते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हेल्प करता है थ्योरी को फॉर्मुलेट करने में, मतलब आप उसको जनरलाइज करते हो। अगर आपने जो भी हाइपोथेसिस, जो भी परिकल्पना करी है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वहाँ पर अगर आपकी हाइपोथेसिस सही हो जाती है तो आप उससे एक थ्योरी जनरेट करते हो, और अगर गलत भी होती है तब भी आप एक थ्योरी बनाते हो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं। याद रखना, हाइपोथेसिस बनाना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, कि मतलब बनाना ही बनाना है, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो बनाओ, आप चाहो तो नहीं बनाओ, लेकिन बनाने के ये सारे फ़ायदे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है, देखो, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, कि आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो, उसकी व्याख्या कर रहे हो, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। फॉर एग्जांपल, कि इंडिया में करंटली पॉपुलेशन 130 करोड़ या प्लस है, आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा सेंसस के थ्रू जैसे भी, और आपने वहाँ से एक डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस बनाई और फिर आप टेस्ट किए। दूसरा है कि अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि बिहार में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 46.6 या 47% है, ठीक है, तो आपने डिस्क्राइब करा कि ऐसा कुछ है, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ये भी आपने डिस्क्राइब करा, ये तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाएगा। अगला है रिलेशनल हाइपोथेसिस, कि आप किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध की बात करते हो, जो कि एक IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल, DV डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करा है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप उनको जाकर देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस में कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ज़्यादा धूम्रपान करने से आपको लंग कैंसर हो सकती है। तो यहाँ पर एक ये वेरिएबल है IV और एक ये वेरिएबल है DV, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो ये आ जाएगा रिलेशनल हाइपोथेसिस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन है एक्सप्लानेटोरी हाइपोथेसिस,
कि आप ना कॉजल और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करते हो। कॉज एंड इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट। एग्जाम्पल से समझ पाओगे, जैसे कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर ड्यू टू टिश्यू डैमेज। यहाँ पे एक स्मोकिंग आपका एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक टिश्यू डैमेज हो रहा है जिसके वजह से लंग में कैंसर हो रही है ना, ऐसा हो गया। अब देखो, जब आपने एक कॉज एंड इफेक्ट बताया ना कि स्मोकिंग की वजह से टिश्यू डैमेज होता है और इसका इफेक्ट ये है कि लंग में कैंसर हो जाती है, ये चीज़ जो बताती है वो आती है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस में। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक एग्जांपल दी थी कि स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, सीधा सीधे बताया कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, तो ये रिलेशनल है। लेकिन जब मैं रीज़न दूँ कि लंग कैंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो ये आ जाता है एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। तो अब वेरिएबल्स से समझो, ये आपका हो जाता है आईवी इंडिपेंडेंट, ये हो जाता है डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वेरिएबल इनकी बात करती है कॉज एंड इफेक्ट की, हम उनको कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, आप वीडियो जाके देखो, मैंने वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं, इस पर अच्छे से एक्सप्लेन कराया तो आप समझ पाओगे। यहाँ पे हो जाएगा इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो याद रखना कि एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस में इंटरवीनिंग वेरिएबल आता है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शन एक दिशा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन सारे टर्म्स से, जैसे कि ग्रेटर, लेस देन, मोर, पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्रीज, डिक्रीज, हाई, लो। यहाँ पर आप एक डायरेक्शन बता रहे हो कि कुछ हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है, या अच्छा हो रहा है, या ख़राब हो रहा है, या ऊंचाई पे आप जा रहे हो या नीचे की तरफ आ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से आपको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस समझाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे है कि किसी भी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ आर मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मोर देन, आपने एक डायरेक्शन दिया, एक दिशा दिया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। सिमिलरली गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाती है, गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज होती है, तो ये डायरेक्शन डायरेक्शन में है कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठंड में उल्टा होता है, वो डिक्रीज होता है, तो एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है कि डेली वर्कआउट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। ये एक हाइपोथेसिस है कि जो आप रोज़ाना व्यायाम करते हो तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। तो ये क्या बता रहा है? पॉजिटिविटी, एक आपके ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट को बता रहा है। तो ये हो गया डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखो, इसका जस्ट ऑपोजिट नॉन डायरेक्शनल, कि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं इस हाइपोथेसिस में। ये सिंपली बता देता है किसी भी चीज़ को कि ऐसा है, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं करता है एक्चुअल में कैसा है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नंबर ऑफ बॉयज़ आर मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो वहाँ पे मैंने बताया कि लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है, मगर जब नॉन डायरेक्शनल में आएगा हम सिंपल कहेंगे कि एक जेंडर डिफरेंस है लड़कियों और लड़कियों के नंबर में, लेकिन हमें नहीं पता कि लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियाँ ज़्यादा हैं। तो ये आ जाता है नॉन डायरेक्शनल में। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लो, डेली वर्कआउट्स हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ब्लड सर्कुलेशन। डायरेक्शनल में मैंने क्या बताया था कि डेली वर्कआउट करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, मतलब पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में क्या हो रहा है कि डेली वर्कआउट करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव इम्प्रूव हो रहा है या निगेटिवली कि उससे एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो डायरेक्शन की बात नहीं करता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे मे बी। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं एच नॉट से। ठीक है, ये किसी भी रिलेशनशिप जो को नलीफाई करता है, जो आईवी और डीवी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हो, बोलता है ही नहीं, वो बोलता है रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, नल है। और आप हमेशा जब भी रिसर्च करते हो ना, आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। याद रखना, MCQs आ गए कि आप किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, तो आप हमेशा नल को करते हो और किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। आगे एक देखो, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, या इसका दूसरा नाम है रिसर्च हाइपोथेसिस। इसको हम डिनोट करते हैं H1 से। ठीक है, ये बोलता है कि नहीं जी, IV और DV के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, इतना समझ गए। अब एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको नल और अल्टरनेट दोनों समझाऊंगी। यहाँ पे
कि एग्जाम्पल के तौर पर वाटर सप्लाई से प्लांट में ग्रोथ होता है, ये मेरी हाइपोथेसिस है। मैंने ऑब्जर्व करा, देखा, समझा, फिर मैंने बोला नहीं, वाटर सप्लाई और प्लांट के ग्रोथ में एक रिलेशन है, ठीक है, ये मैंने बोला। ये हो गया डीवी और ये हो गया आईवी। जब मैंने बोला इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का हिस्सा बन गया और हम इनको टेस्ट नहीं करते हैं, हम टेस्ट करते हैं नल को। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? इसका उल्टा, कि वाटर सप्लाई से प्लांट के ग्रोथ में कोई भी मदद नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आप इनको टेस्ट करोगे कि क्या वाटर सप्लाई और ग्रोथ ऑफ प्लांट में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर आपका नल हाइपोथेसिस सही हो जाता है कि हाँ सच में वाटर सप्लाई और ग्रोथ ऑफ प्लांट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनके वजह से, वाटर सप्लाई की वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, इस सिनेरियो में ये जो मेरा हाइपोथेसिस था ना, ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है नल हाइपोथेसिस पे, कि यदि नल हाइपोथेसिस सही हो जाती है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, और यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, रिवर्स है। अगर एक एक्सेप्ट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स डैमेज द क्रॉप्स। मेरी ये एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है, H1 ऑल्टरनेट, कि ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से क्रॉप डैमेज हो जाते हैं। नल क्या बोलेगा? कि ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से क्रॉप डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है। यदि नल रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो इस सिनेरियो में H1 जो कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ और समझो कि यदि मैं एक रिसर्चर हूँ, मेरे कुछ बायस्ड है, मैंने रिसर्च एथिक्स को मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, और मेरे वजह से ये हो रहा है कि नल हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस गलत है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, नल हाइपोथेसिस सही है, तो उस सिनेरियो में मैं एरर कर रही हूँ। इस एरर को बोलेंगे टाइप 2, ठीक है, इस एरर को कहेंगे टाइप 2। और यदि नल हाइपोथेसिस सही है और मैं बोलती हूँ कि नहीं, नल हाइपोथेसिस गलत है, अब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो उस एरर को बोलेंगे टाइप 1 एरर, ठीक है। तो ये है एरर, फिर से समझ लो। यदि आपका नल हाइपोथेसिस सही है मगर आप एक रिसर्चर और एक बायस्ड हो जाते हो और आप कहते हो कि नहीं, नल हाइपोथेसिस गलत है, तो वहाँ पे आपने एक एरर की, उस एरर को बोलेंगे टाइप 1, ठीक है। और दूसरा एरर है कि नल हाइपोथेसिस गलत हो गई, लेकिन आप कहते हो नहीं, नल हाइपोथेसिस सही है, उसमें जो फाइंडिंग्स आ रही है वो सही है, मगर आपने तो एरर कर दी ना, क्योंकि आप बायस्ड हो, तो उस एरर को कहते हैं टाइप 2, ठीक है। देखो, R.A. फिशर ने सबसे पहली बार इस्तेमाल करा था नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को। तो गाइस, आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का फ़ायदा ये है कि जो भी क्विज़ आएंगे उनके लिंक आपको वहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद।